जांजगीर चांपा के पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय में पदस्थ लेपक दीपक याद की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दरअसल माल खरोदा के विभागीय कार्यालय के प्यून ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख जीपीएफ से निकालने के लिए जिला कार्यालय में आवेदन दिया था, जहां पदस्थ लिपिक दीपक यादव ने काम के बदले 5,000 की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत प्यून फुलसा यादव ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर को की, जिसके बाद टीम ने लिपिक को 2,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब रिश्ते तो मां पाठ करना निकालेगा, 1 लाख फार्म, 1 लाख भरे हैं फार्म, जीपीएफ निकालेगा तो मुर्ख घुस मांगत रही से हमने भी करत रही से, तो मैं जाकर बिलासपुर में एंटी करप्शन में शिकायत कर। उससे 5,000 रुपये की मांग कर रहा था दीपक यादव करके, जो कि उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा आपका जांजगीर का पदस्थ। तो शिकायत मिलने पर उसका सत्यापन कराया, सत्यापन में सही पाए जाने पे और एसीबी टीम के द्वारा जो है उसको रंगे हाथ 2,500 रुपये रिश्वत के रूप में पकड़ा गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही न्यायालय पेश किया।